पेरेंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे मल्टी वाउचर प्रिंटिंग के बारे में। कई बार आपके सीए या ऑडिटर आपसे आपके सारे सेल्स बिल के प्रिंट मांगते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने कस्टमर्स को तो माल के साथ सेल्स बिल दे देते हैं, पर उस समय अपने रिकॉर्ड के लिए हम उन बिल्स का प्रिंट नहीं निकालते हैं और फिर हर माह के या पूरे साल के आखिर में इकट्ठे सेल्स बिल्स के प्रिंट निकालते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें सारे बिल्स के प्रिंट एक एक करके निकालने होंगे? तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैली ने एक ऑप्शन दिया है मल्टी वाउचर प्रिंटिंग। इसके द्वारा आप सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट इत्यादि में से किसी भी एक प्रकार के वाउचर के सारे प्रिंट एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ ऊपर आप टॉप मेन्यू बार में प्रिंट ऑप्शन देख रहे हैं। हम इसका शॉर्टकट ऑल्टर और पी प्रेस कर रहे हैं। ध्यान रखें, ये ऑप्शन टैली में काम करते समय हर जगह पर मिलता है, यानी आप टैली में कहीं भी किसी भी काम के बीच इसकी सहायता से प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ दिखाई दे रहे तीनों ऑप्शंस के बारे में हम अपनी पिछली दो वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। अभी हम अदर्स के लिए ओ प्रेस करेंगे। ये देखिए, मल्टी अकाउंट रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ रिपोर्ट्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, मल्टी अकाउंट रिपोर्ट ऑप्शन एजुकेशन वर्जन में दिखाई नहीं पड़ता, ये सिर्फ टैली के लाइसेंस्ड वर्जन में ही मिलता है। हम मल्टी वाउचर ऑप्शन पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, प्रिंट विंडो आ गई है। टाइटल में आप पेमेंट वाउचर लिखा देख रहे हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर किसी भी वाउचर का नाम हो सकता है, आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। उसके लिए प्रिंट विंडो को कॉन्फिगर करना होगा। कॉन्फिगर करने के लिए सी प्रेस करें। अब पूरी कॉन्फिगरेशन लिस्ट के लिए शो मोर पर जाकर एंटर प्रेस करें। लिस्ट में सबसे ऊपर है वाउचर टाइप, हम उस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब नेम ऑफ वाउचर टाइप के आगे जो वाउचर का नाम लिखा है उसे डिलीट की सहायता से हटा देते हैं। देखिए, ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ गई है, जिसमें सभी वाउचर्स के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान रखें, लिस्ट में दिखाई दे रहे सभी वाउचर्स जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, रिसीट इत्यादि, सभी के प्रिंट निकालने का तरीका एक जैसा ही है। हम सेल्स वाउचर का प्रिंट निकालना बता रहे हैं, ठीक उसी तरह आप किसी भी वाउचर के प्रिंट निकाल सकते हैं। सेल्स वाउचर का प्रिंट निकालने के लिए हम सेल्स पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद हम डाउन एरो से पीरियड पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर आप जिस भी पीरियड के प्रिंट चाहते हैं, जैसे किसी माह का, साल का या अन्य किसी पीरियड का, तो वो टाइप कर दें और एंटर प्रेस करें। यदि आप यहाँ दिखाई दे रहे किसी अन्य ऑप्शन में भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उस पर जाकर कर सकते हैं। हमको कोई और चेंजेस नहीं करना है, इसलिए हम कंट्रोल और ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये देखिए, प्रिंट विंडो पर हमने वाउचर टाइप और पीरियड में जो चेंजेस किए थे वो यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। हम प्रिंट के पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आई प्रेस कर रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं, अगला बिल नंबर दिखाई पड़ रहा है, यानी हमने जो पीरियड लिया है उसमें जितने भी बिल्स हैं वो सभी दिखाई पड़ रहे हैं। ये अब एस्केप की प्रेस करके हम वापस प्रिंट विंडो पर आ गए हैं। अब यदि आप सभी बिल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो पी प्रेस करें। ऐसा करते ही सभी बिल प्रिंट हो जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।